हिंदी गद्य का प्रथम युग भारतेंदु युग कहलाता है। हिंदी गद्य का प्रथम युग भारतेंदु युग कहलाता है। हिंदी गद्य के जनक के रूप में भारतेंदु का नाम आता है। हिंदी गद्य के जनक के रूप में भारतेंदु का नाम आता है। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी आपने मेरे मुख से कुछ पंक्तियाँ सुनी, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हमें पुनः साहित्य इतिहास की भावभूमि पर भ्रमण करना है। जी हाँ बच्चों, आप सही समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने और आपने साहित्य इतिहास के अंतर्गत गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ा, समझा, सीखा और जाना। आज पुनः उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और शेष अंश पढ़ेंगे, क्योंकि हमने एक भाग उस दिन पढ़ लिया था। आज शेष अंश यानी भाग दो हम और आप पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने और आपने क्या जाना, आइए देखते हैं एक बार। कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पे हमने और आपने चर्चा की थी। बहुत ही सहजता और सरलता से बातें आप तक पहुंची होंगी, ऐसा विश्वास है मुझे। वो बिंदु कौन से थे, एक बार आप पुनः देख लें। हमने और आपने गद्य के स्वरूप के बारे में जाना था, गद्य की उपादेयता और महत्ता, गद्य पद्य के अंतर को जाना, हिंदी का जो आशय है, जो क्षेत्र है, उसका प्रसार है, उसके बारे में जाना था। हिंदी गद्य विकास का संक्षिप्त इतिहास जाना था। हिंदी गद्य का आविर्भाव और हिंदी खड़ी बोली गद्य का जो विकास है उसको समझा, और काल विभाजन, क्योंकि जहां आपको पढ़ना, इतना करके काल विभाजन तक हमने और आपने पढ़ा था, और आज इसके आगे का जो क्रम है उसको हम विस्तार देंगे। आपकी जो विषय वस्तु है, जो आपको निर्धारित है पढ़ने के लिए, उसके अंतर्गत आपको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में पढ़ना है। शेष अंश आप अगली कक्षा में यानी कक्षा 10 में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये दो युग पढ़ने हैं। आइए आज के अध्ययन को गति देते हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या है भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में विशेष। वैसे तो आपने बच्चों ये जान लिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को युग निर्माता कहा गया। ये जो एक नाम आपके समक्ष है, भारतेंदु युग, जो एक युग है, वस्तुतः तो ये भारतेंदु युग, हम एक युग के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जान ले, जानते भी हैं, आपने बहुत बार सुना भी है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ऐसा योगदान था, जो उनकी विशिष्टता थी, जो उनकी साहित्य के प्रति लगाव और महनीयता थी, उसने इस युग का निर्माता भारतेंदु जी को बना दिया। हिंदी गद्य के लिए उन्होंने इतना सारा काम किया है कि उन्हें युग निर्माता की उपाधि मिल गई और वो हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं। आइए देखते हैं इस युग में और क्या क्या है और क्या हुआ साहित्य के स्वरूप में, कैसा कैसा बदलाव आया गद्य में, देखते हैं बच्चों। आइए ध्यान दें, भारतेंदु युग का गद्य अत्यंत सजीव है। इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, अपनी जाति और अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए अत्यधिक उत्सुकता थी। बच्चों, आप वैसे तो आपको लग रहा होगा, पहले भी मैंने कहा कि ये हमारी और आपकी मातृभाषा है, हमारी और आपकी बहुत अपनी सी है, हमारा प्रथम संस्कार इसी भाषा में हुआ है, इसलिए इसकी मधुरता, इसके लालित्य और इसके स्वरूप से कुछ कुछ तो हम बहुत पहले से परिचित हैं। लेकिन ये जो अध्ययन के क्रम में, जो व्यवस्थित क्रम में हम पढ़ रहे हैं, इससे विषय की एक संपूर्ण जानकारी हमको और आपको होगी। विषय बहुत ही आसान है, बस थोड़े से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए ध्यान दें कि बताया जा रहा है कि भारतेंदु युग का गद्य अत्यंत सजीव था और इस युग के जो लेखक थे उन्होंने बहुत काम किया। किस पर? भाषा को लेकर, अपने राष्ट्र और जाति के उत्थान के लिए अपनी भाषा पर बहुत ज़्यादा काम किया। इस नई लहर को देखिए, उन्होंने क्या किया, उनमें उत्सुकता थी, उत्साह था कुछ करने का। उन्होंने नवयुग की इस नई लहर को घर घर पहुंचाने का अथक प्रयास किया था। उन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए, घर घर तक इसको पहुंचाने के लिए बहुत ही अथक, मतलब बहुत मेहनत किया, बहुत कड़ा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा प्रयास उन्होंने किया। किसके माध्यम से? सर्जना के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, उपन्यास, निबंध, कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई जो चर्चा में आप आगे जानेंगे। आगे देखें, भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य को बोलचाल की भाषा के आधार पर व्यावहारिक रूप दिया। एक शब्द आया यहाँ, व्यावहारिक। कल की चर्चा में, जो इससे पहले की कक्षा थी उसकी चर्चा में
हमने और आपने इस शब्द को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा था। व्यावहारिक यानी इसको इस तरह घोल दिया हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आप में इस तरह ये घुल गया कि व्यवहार में सहजता से आ गया। इन्होंने ऐसा बनाया इस भाषा को कि हमें उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, हमारे आप में बिल्कुल घुल गया। इतना सजीव, इतना सहज, इतना सरल बना दिया कि हमारे और आपके व्यवहार में घुल गया। आगे देखिए, गद्य की अनेक विधाओं को जन्म दिया। ये जो युग है भारतेंदु युग, और भारतेंदु जी के जो प्रयास हैं, तो इस युग में इतने कार्य हुए और विधाओं पर यानी जो उसके विविध रूप हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा कार्य हुआ। बहुआयामी व्यक्तित्व रहा भारतेंदु जी का, और वैसा ही उनका कृतित्व, उन्होंने विधाओं में बहुत ज़्यादा काम किया है, जो आगे अभी हम और आप चर्चा में देखेंगे कि क्या क्या विशिष्ट उपलब्धियाँ भारतेंदु और द्विवेदी युग की रही हैं। आगे देखें बच्चों, भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये वो महनीय रचनाकार हैं जिनका एक विशेष योगदान रहा इस युग को विस्तृत बनाने में, स्थापित करने में, इसको सुगठित करने में। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि एक व्यक्ति चलता है, एक विचार, एक प्रवाह जन्म लेता है, और उसके बाद उस प्रवाह में, उस विचार में लोग मिलते जाते हैं और वो प्रसार पाता जाता है। तो युग निर्माता जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उन्होंने जो एक राह दिखाई, उस राह को और भी मजबूत बनाने के लिए, उसको सहज सरल बनाने के लिए, उसमें लोगों को घोल देने के लिए, उसको व्यावहारिक जीवन में उतार देने के लिए जिन लोगों ने काम किया, वो यही विशिष्ट लोग हैं जिनके योगदान से ये युग समृद्ध हुआ। ये वो लोग हैं जिनकी लेखनी ने इस युग को स्थापित किया और जो आज हम और आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और जाने कब तक इस योगदान की चर्चा होती रहेगी, पढ़ते रहेंगे। आइए इस युग के कुछ और चर्चा की तरफ चलते हैं आगे। भारतेंदु जी हिंदी की उन्नति के लिए पर्याप्त सजग रहे, उनके अनुसार, ध्यान दें बच्चों ये दो पंक्ति जो भारतेंदु जी की हिंदी के प्रति लगाव की व्यंजना करती है कि हिंदी के प्रति उनके मन में क्या था। वो कहते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिठे नहीं को सुन। उन्होंने कहा कि अगर उनका मानना था कि अगर हमें और आपको उन्नति करनी है तो सबसे पहले निज भाषा यानी अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा, उसमें स्थापित होना होगा, और वही वो मूल है, वो जड़ है, जहां अगर हम स्थापित हो गए तो हमारा प्रसार हर दिशा में होने लगेगा। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कुछ। उनका मानना था कि हम सारी दुनिया को जान लें, लेकिन अगर हम स्वयं को नहीं जान पाते, अपनी भाषा को नहीं जान पाते, तो जो एक पीड़ा है वो हमेशा चुभती रहती है, वो कभी मुक्त नहीं होने देती, इसलिए अपनी भाषा का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। ये ऐसी पंक्तियां हैं जो उस लगाव, उस महनीयता, उस लालित्य, उस महत्व और कर्म के उस क्षेत्र पे, कि कर्म का जो इनका क्षेत्र इन्होंने अपना निर्धारित किया वो यही था, निज भाषा। इसमें आपने बहुत सारे काम किए, अभी आपने पढ़ा कि विविध विधाओं का विकास हुआ जिसमें सहयोगियों का, साथी रचनाकारों का तो योगदान था ही, लेकिन आपने विशेष योगदान किया, इसीलिए एक युग निर्माता आपको कह दिया गया। कोई यूं ही युग निर्माता नहीं होता बच्चों, आपका जो योगदान था वो इतना बड़ा था, इतना विराट था, इतना विशिष्ट था कि इस युग के निर्माता के रूप में हम आपको जानने लगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के योगदान ही था कि उनके योगदान की वजह से इस युग का नाम ही भारतेंदु युग पड़ गया। आगे देखें, हिंदी में इधर कुछ उत्कृष्ट साहित्यिक जीवन चरित्र और आत्मकथाएं प्रकाशित हुई हैं। इस युग की बात चल रही है तो यहाँ कुछ उत्कृष्ट रचनाएं सामने आई, जो आत्मकथाएं थीं, जो जीवन चरित्र थे, वो क्या क्या थे आइए बच्चों देखते हैं। इनमें अमृत राय द्वारा लिखी गई प्रेमचंद्र की जीवनी, जिसका नाम है कलम का सिपाही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, के बाद पांडे वेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर, बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, व नीड़ का निर्माण फिर से आदि कृतियां बहुत लोकप्रिय हुई, लोगों ने बहुत पढ़ा।
और आज भी पढ़ी जा रही, युगों तक पढ़ी जाएंगी, सुनी जाएंगी, समझी जाएंगी। इस पे तरह तरह के शोध होते हैं, कार्य होते हैं। तो ये जो पढ़ना और पढ़ाना चलता रहेगा, ये योगदान है इस विशिष्ट युग की। विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा लिखकर यश प्राप्त किया। हमारे और आपके कर्म ही हमें यश दिलाते हैं, नाम दिलाते हैं। तो इन साहित्यकारों की ये उपलब्धियां हैं जो भारतेंदु युग में गुथ कर हमारे और आपके समक्ष हैं। आइए बच्चों, अब आपके निर्धारित पाठ्यक्रम से जो दूसरे युग की चर्चा हमें और आपको करनी है उसकी तरफ चलते हैं, जो है द्विवेदी युग। आगे हम इन युग के जो योगदान हैं, जो बहुचर्चित रचनाएं हैं, जो निबंध हैं, जो कहानियां हैं, जो उपन्यास हैं, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस युग के योगदान के बारे में जान लें। द्विवेदी युग, ध्यान दें बच्चों, क्या है? हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु जी के बाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रभावशाली रहा। बच्चों आप जानते हैं, कोई एक विचार, एक प्रवाह, एक बात, एक योजना अगर चलती है तो जैसे जैसे वो आगे अलग अलग सोपानों पे पहुंचती है, वो सुधरती है, वो संवरती है, वो विस्तृत होती है, वो परिष्कृत होती है। तो जो एक स्वरूप चला था गद्य का, जो भारतेंदु युग से एक धारा चली थी, वो द्विवेदी युग में आते आते जब द्विवेदी जी का योगदान इसमें हुआ, तो भाषा का जो है परिष्कार हुआ। परिष्कार मतलब वो दोषों से मुक्त हुई, वो सहज हुई, वो सरल हुई, वो तत्सम प्रधान हुई। उसको दोष मुक्त करने का जो श्रेय है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। हिंदी गद्य साहित्य की विषय वस्तु और भाषा शैली पर इनका अमिट छाप, इनकी जो छाप है, क्यों? क्योंकि भाषा के परिष्कार को लेकर आप सजग रहे, आपने साहित्य में उसकी गति को, उसके प्रवाह को और तेज करने का काम किया, उसकी शुद्धता की तरफ ध्यान दिया, तो आपका योगदान जो है भाषा शैली के क्षेत्र में अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है। सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक का समय हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। आपने पिछली कक्षा में भी ये पढ़ा था, काल विभाजन, जो समय निर्धारण है, उसको एक सारणी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आपने जाना था कि जो ये युग है उसकी जो समय सीमा है वो 1900 से 1922 तक है। सरस्वती इस युग की महत्वपूर्ण पत्रिका थी। इस युग में जो पत्रिका साहित्य की निकली, जिसने बहुत सारे काम किए, जिसके माध्यम से साहित्य के लिए बहुत कुछ किया गया, रचा गया, लिखा गया, परिष्कार हुआ भाषा का, वो सरस्वती पत्रिका थी, जिसने हिंदी गद्य को नवीन एवं परिष्कृत रूप दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके यशस्वी संपादक थे। द्विवेदी जी की ही पत्रिका है, संपादक आप ही थे। द्विवेदी जी के अथक प्रयासों से जहां एक ओर भाषा में कसाव और निखार आया, वहीं जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, आचार्य पद्म सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, गोविंद नारायण मिश्र बाबू, श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, कुछ अन्य नाम भी हैं बच्चों, देखें, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे समर्थ लेखक सामने आए। ये उन लेखकों की सूची है जिन्होंने इस युग को समृद्ध किया, इसको प्रभावशाली बनाया, इसकी जो छाप है, इसका जो प्रभाव, उसको अमिट बना दिया। द्विवेदी युग की उपलब्धियों में आप सभी का योगदान है। आगे देखिए इस युग में और क्या हुआ। इस युग में गद्य साहित्य के विभिन्न रूपों का विकास हुआ। आपने पहले भी पढ़ा कि भारतेंदु युग में भी विविध रूपों पर कार्य किया गया, इस युग में भी उसका विकास हुआ। यहाँ का विशेष योगदान भाषा परिष्कार का है बच्चों, ये आप जाने। और क्या हुआ, गंभीर निबंध, विवेचनापूर्ण आलोचनाएं, कहानियां, उपन्यास और नाटक लिखे गए। ये सारी गद्य की विधाएं हैं। इसमें बहुत ज्यादा काम हुआ, बहुत रचनाएं लिखी गईं। और ध्यान दें, आगे देखें, इसी युग में काशी में बाबू श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की, जो साहित्य की संस्था है जिसमें साहित्य से जुड़े हुए सारे काम होते हैं। इसका विशेष योगदान रहा हिंदी साहित्य के समृद्ध होने में। इसके अलावा देखें, सरस्वती के अतिरिक्त इंदु, सुदर्शन, समालोचक, प्रभा, मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाएं भी इसी युग में सामने आईं। इस युग में इन पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा, जिनके माध्यम से हिंदी भाषा का, गद्य के इस स्वरूप का प्रचार प्रसार हुआ। ये दूर दूर तक पहुंची, घर घर तक पहुंची, भाषा का परिष्कार हुआ। आइए बच्चों, अब अपनी चर्चा को
थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, ले चलते हैं उस विशेष योगदान की ओर, उन रचनाओं की तरफ जो इन रचनाकारों के माध्यम से हमारे और आपके बीच में हैं, युगों तक रहेंगी, जो उपलब्धियां हैं, जो देन हैं। ध्यान दें, भारतेंदु एवं द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। बच्चों बहुत ध्यान से देखें, बहुत आसान है, बस आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पूरी चीज़ आप जानते हैं, सुनते आए हैं, थोड़ा मन से इस दिशा में थोड़ा प्रयास करेंगे तो ये इतिहास बहुत सुगमता, बहुत सरलता से आपके भी मन पे, मस्तिष्क पे छप जाएगा, अंकित हो जाएगा, जैसे आपके पन्नों पर अंकित है। ये हमारे साहित्य का लालित्य है, ये उसकी मधुरता है जिससे हम परिचित हैं। थोड़ा ये विषय जो है वो गंभीर है, तो ये भी हमारी अपनी ही है, इसलिए बड़े अपनेपन के साथ, बड़े लगाव के साथ हमें ये पढ़ना है। आइए बच्चों, देखते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए, अब रचनाकारों के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन पहले हम निबंधकारों के बारे में जान लें। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के दो दो निबंधकारों को मैंने लिया है, देखते हैं क्या है। आइए, सबसे पहले भारतेंदु युग में आते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, उनकी रचना जो है धोखा। दूसरे हैं बाल कृष्ण भट्ट, रचना राजा और प्रजा, द्विवेदी युग। माधव प्रसाद मिश्र, रचना जो है माधव मिश्र, निबंध माला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कछुआ धर्म। बच्चों ये आप ध्यान दें, दो भारतेंदु युग के और दो द्विवेदी युग के निबंधकार, और उनके एक एक निबंध आपके समक्ष हैं। आपकी परीक्षा में जो प्रारूप आता है वो ऐसा ही होता है कि दो दो रचनाकारों के बारे में पूछेंगे, या तो निबंध दे देंगे, आप लिखिए रचनाकार कौन है, या रचनाकार का नाम दे दिया गया, उनके दो निबंध लिखने हैं। तो इस तरह से एक ही तरीके के दो प्रश्न इधर उधर से बदल के आपके समक्ष आएंगे, आप इसको पढ़ लेंगे तो सुगमता और सहजता के साथ आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। आइए चलते हैं उपन्यास की ओर। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, यही हमारा हेडिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत हम कभी निबंध, कभी उपन्यास, कभी कहानी, ऐसे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। उपन्यासकार, कुछ चर्चित उपन्यास और उपन्यासकार आपके समक्ष हैं। ध्यान दें बच्चों, भारतेंदु युग के अंतर्गत देखें, लाला श्रीनिवास दास, और कौन सा उपन्यास, परीक्षा गुरु, बहुत चर्चित हुआ ये। दूसरा बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी, ये भारतेंदु युग के दो उपन्यासकार, उनकी दो रचनाएं आपके समक्ष। आइए द्विवेदी युग में देखते हैं, देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तिलस्मी और अय्यारी से जुड़ा हुआ है। आपने टीवी में चलचित्र के माध्यम से इसको शायद देखा हो, क्योंकि ये बहुत चर्चित रहा है और कई बार प्रसारित हो चुका है, आप इस नाम से पूरी तरह परिचित हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की तारा, तो ये उपन्यासों के क्रम में आपने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के दो दो उपन्यासकारों के बारे में जाना, उनकी रचनाओं के बारे में जाना। आइए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, देखते हैं आगे कहानीकार और नाटककार के बारे में जानते हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार एवं नाटककार। आइए, क्योंकि आपने बार बार पढ़ा बच्चों कि गद्य की विविध विधाओं का, तो ये विधाएं क्या हैं, ये यही हैं, कभी निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, ये सारी विधाएं हैं। इसके अंतर्गत इस चर्चा के माध्यम से आप अपने तैयारी भी करते रहेंगे और आपका जो समझ है, जो ज्ञान है, वो बढ़ता रहेगा, वो पक्का होता रहेगा, परीक्षा में आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। देखिए कहानियों में चलते हैं, पहले भारतेंदु युग की तरफ। अंबिका दत्त व्यास, और आपकी रचना, आपकी कहानी जो है कथा कुसुम कलिका। दूसरे जो है वो चंडी प्रसाद सिंह, हास्य रतन। ये दो कहानियां भारतेंदु युग की, ये दो लेखक और इधर उनकी कहानियां, उनकी वो रचनाएं। और देखिए अब आगे चलते हैं द्विवेदी युग में, कहानीकारों के ही क्रम में हम और आप हैं। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, और दूसरा विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक जी का रक्षा बंधन। आइए और आगे चलें, थोड़ा और जानते हैं, नाटककारों के बारे में जानते हैं। भारतेंदु युग में चलते हैं, पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र नील देवी। आप जान लें, आपने पढ़ा था कि बहुआयामी है इनका व्यक्तित्व, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, नाटकों में भी आपका विशेष योगदान है, नील देवी। बालकृष्ण भट्ट, नल दमयंती स्वयंवर। द्विवेदी युग में चलते हैं, देखते हैं लक्ष्मी प्रसाद जी का है उर्वशी, शिवनंदन सहाय सुदामा। और आगे चलते हैं बच्चों, एक प्रश्न पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ भी आता है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आप जब भी बैठें
थोड़ा टाइम जब भी हो इन पत्रिकाओं को लेकर थोड़ी चर्चा करें, आपकी तैयारी होती रहेगी। आइए कुछ जो प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं जिनका विशेष योगदान रहा उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारतेंदु एवं द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, क्रम देखें, पत्रिका का नाम है, संपादक का नाम है और प्रकाशन स्थान है। पहले भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं, कवि वचन सुधा ये पत्रिका है, इसके संपादक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, और कहाँ से ये निकलता रहा, कहाँ से प्रकाशित हुआ, वो है काशी। दूसरी पत्रिका हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी की, जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती रही। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की, जो मिर्जापुर से निकली। अब आइए द्विवेदी युग की कुछ विशिष्ट पत्रिकाओं की ओर चलते हैं। सबसे पहला जो प्रतिनिधि है और जो द्विवेदी जी की ही है, सरस्वती आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के इलाहाबाद से, इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त जी की काशी से, और मर्यादा कृष्णकांत मालवीय जी की। आगे बच्चों आइए विविध के अंतर्गत कुछ चर्चा, कुछ बिंदु जानते हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसलिए इन बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं। पहला ध्यान दें, कवि वचन सुधा का प्रकाशन काल सन 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन काल सन 1873 ईस्वी। तीसरा देखिए, हिंदी गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाली जो पत्रिका है वो कौन सी है, सरस्वती। चौथा देखें, सरस्वती का प्रकाशन काल सन 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका सरस्वती, जो आपने अभी द्विवेदी युग की चर्चा में भी पढ़ा था, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बिंदु थे इसलिए मैंने इस पर भी चर्चा कर दी। आइए बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो एक बात, जो एक चर्चा बार बार आपके समक्ष आई वो थी कि गद्य की विविध विधाओं का, विभिन्न विधाओं का क्या है। तो आपने बार बार ये सुना कि विविध विधाओं पर कार्य किया गया, विविध विधाओं की शुरुआत हुई, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया। ये विधाएं हैं क्या, किन विधाओं पर कार्य किया गया, वो आपने अभी चर्चा के बिंदु में पढ़ा। दो दो रचनाकारों के बारे में, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार, सबके बारे में आपने जाना। पत्रिकाओं के योगदान के बारे में जाना, उनके प्रकाशन वर्ष के बारे में जाना। आइए अब गद्य की जो विविध विधाएँ हैं उनके बारे में जानते हैं कि ये विधाएं क्या हैं, उसके कितने रूप हैं। ध्यान दें बच्चों, पहला है निबंध, फिर कहानी, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रिपोर्ताज और गद्य काव्य। ये गद्य की विधाएं हैं। एक प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि गद्य के किन्हीं दो विधाओं के नाम लिखिए, तो ये सारी हैं, आप किसी के क्या भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये विधाएं हैं क्या, आइए एक संक्षिप्त चर्चा इन विधाओं के बारे में करते हैं। आप सभी परिचित हैं लगभग, सबसे पहला तो हमारे और आपके समक्ष जो आता है वो निबंध आता है। निबंध अर्थात वो रचना जो एकदम कसी हुई, जिसकी भाषा हो, जो बंधा हो, जिसके नाम से ही व्यंजना हो रहा है, निबंध जो बहुत ही ढंग से, व्यवस्थित क्रम में, सलीके से बंधा हो, गठी हुई भाषा में होता है, उसको हम निबंध कहते हैं। और ये जो निबंध हैं वो कई तरीके से होते हैं। अगर मुख्य रूप से देखें तो ये निबंध चार प्रकार के आपके समक्ष आते हैं। पहला विचारात्मक, दूसरा भावात्मक निबंध, तीसरा वर्णनात्मक निबंध, और जो चौथा होता है वो विवरणात्मक निबंध। तो ये निबंध के जो रूप हैं वो इस रूप में आपके समक्ष आते हैं। निबंध से आप परिचित हैं, आप पढ़ते भी रहते हैं। ये गंभीरता लिए हुए लेख होता है, भाषा बहुत सटीक, बहुत सधी हुई, बहुत सुलझी होती है, और जो कहा गया कि निबंध कसा हुआ होता है, गठित होता है, तो ये मुख्य विशेषता है भाषा की, निबंध के। आइए चलते हैं कहानी। ये ऐसी विधा है जिससे शायद ही कोई ऐसा हो जो अपरिचित हो, हमारे और आपके दिल से जुड़ी हुई, बहुत आत्मीय। ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी विधा है जिसका नाम लेते ही दादी नानी की भी स्मृतियां सहज ही साकार हो जाती हैं। हमारे सबसे करीब जो विधा है, जो सबसे मनोरंजक है, जो सबसे आकर्षक है, जिसमें कोई भी बात सुनकर समझकर हम बहुत जल्दी सीखते हैं, उस विधा का नाम है कहानी। ये हमारी जो विधा है वर्तमान में अगर देखें तो ये थोड़ी लुप्त होती जा रही है, क्योंकि इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया, तरह तरह के विमर्श इसके बीच में आ गए, इसका स्वरूप जो है वो बदला। लेकिन ये सबसे प्रभावपूर्ण विधा है जिसमें किसी भी बात को बहुत आसानी से समझा, सीखा, पढ़ा और जाना जा सकता है। बहुत ही रोचक विधा है।
इसके माध्यम से जब हम आपको पढ़ाते हैं तो भी गुणवत्ता जो है वो दो गुनी कई गुनी हो जाती है, ग्राह्य करने की जो हमारी और आपकी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें एक निजता का समावेश है। अगला जीवनी। जीवनी क्या होता है बच्चों? ये गद्य की वो विधा है जिसमें हम किसी महापुरुष को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर लिखते हैं, जीवनियां लिखी जाती हैं, बहुत सी प्रसिद्ध जीवनियां लिखी गई हैं जो समाज को एक दिशा देती हैं। तो गद्य के जो विविध स्वरूप आप जान रहे हैं, जो विविध स्वरूप आप पढ़ते आए हैं, तो ये जो जीवनी है, अभी आपने चर्चा के क्रम में पढ़ा कि शरद चंद की जीवनी के बारे में पढ़ा, मनीषी की लोक यात्रा है जो भगवती प्रसाद सिंह जी की है, ये बहुचर्चित जीवनियां रहीं जिसमें एक संत का जीवन है जो उद्घाटित किया गया है, जो हमें और आपको एक राह दिखाता है। ये भी बहुत आकर्षक शैली होती है, जीवनी को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और ये इस तरीके से लिखा गया होता है कि शुरुआत के क्रम से आखिरी पड़ाव तक बहुत व्यवस्थित और कलात्मक ढंग से हमारे और आपके समक्ष आता है। अगला देखें आत्मकथा। आत्मकथा, कथा मतलब कहने का एक ढंग और आत्म मतलब अपना। आत्मकथा वो लेख है, वो गद्य लेख है जो स्वयं के लिए लिखा जाता है। अपनी आत्मकथा भी बहुत सारे लोगों ने लिखी हुई है जो बहुचर्चित हैं। तो आत्मकथा में भाषा प्रवाहपूर्ण शैली होती है, बहुत ही सहज और सरल ढंग से अपने जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को भी उद्घाटित किया जाता है। बहुत ही आकर्षक शैली है, जो ये ढंग है कहन का, जो ये विधा का, जो ये रूप है हमारे गद्य का, ये भी बहुचर्चित है। बहुत सारी आत्मकथाएं आपके समक्ष आई हैं, आएंगी, आप पढ़ेंगे। ये रोचक विधा है, कुछ कह नहीं सकते हैं बच्चों, आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई आगे चलकर बहुत बड़ा कहानीकार हो जाए, कोई जीवनीकार हो जाए, कोई निबंधकार हो जाए, कोई आत्मकथाकार हो जाए। अगला जो है चर्चा का बिंदु, वो है रेखाचित्र। रेखाचित्र, रेखा और चित्र, ये दो शब्दों से बना हुआ है। तो रेखाचित्र का अर्थ है कि शब्दों के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से एक ऐसा चित्र हम बना दें, शब्द चित्र, अपने शब्दों के माध्यम से एक ऐसा चित्र कि जो भी विषय व्यक्त किया जा रहा हो, जिस विषय में लिखा जा रहा हो, आपके समक्ष एक चित्रवत साकार हो उठे। ऐसे भावों को जो लेकर लिखी गई रचना होती है वो है रेखाचित्र। संस्मरण, संस्मरण ये किसी स्मृति पर आधारित होता है, इसमें अधिकतर महापुरुषों को लेकर लिखा गया है। हमें और आपको कुछ याद आता है, कहीं किसी से मिले हों, कोई भेंट वार्ता है, तो उसमें स्मृति के आधार पर इसको हम लिखते हैं। अगला यात्रा साहित्य, बहुत ही रोचक विधा, हम और आपने भी आज तक बहुत सारी यात्राएं की हैं। यात्रा साहित्य, किसी यात्रा पर आप गए हैं, उसकी रोचकता को, उसको भाषा के लालित्य में पिरोकर सुंदर ढंग से जो कहन होता है उसको यात्रा साहित्य कहते हैं। रिपोर्टाज, ये एक रिपोर्ट होता है जो कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जो पढ़ने वाले के मन को आह्लादित करता है, अनुरंजित करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो साहित्य है वो ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, तो साहित्य को पढ़कर इसको इस ढंग से लिखा जाता है कि जो पाठक होता है एक आह्लाद का अनुभव करता है। और आखिरी जो स्वरूप है वो है गद्य काव्य। देखिए बच्चों, इसमें दो शब्द है, गद्य और काव्य। तो ना ये गद्य होता है पूरी तरह से, ना ये काव्य होता है। ये गद्य काव्य है, यानी गद्यात्मक ढंग से गद्य में ही काव्य के भी भावों को पिरोकर भावनात्मक रूप से गद्य में जो कहने का ढंग है उसको गद्य काव्य कहते हैं। ये दोनों के बीच का होता है वस्तुतः, ना ये गद्य है ना ये काव्य है, वो दोनों के बीच का रूप जो कहलाता है वो है गद्य काव्य कहलाता है। आइए अब हम चलते हैं अपने अभीष्ट की तरफ, जो है आंतरिक मूल्यांकन। आप जानते हैं बच्चों कि हर कार्य का, हर पाठ का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है, जिसको एक परीक्षा के माध्यम से, एक मूल्यांकन के माध्यम से हम और आप जानते हैं कि कितने सफल रहे हैं हम। आइए उस पड़ाव से गुजरते हैं, मूल्यांकन की तरफ चलते हैं। आंतरिक मूल्यांकन, आपको आज की चर्चा के आधार पर कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला क्या है, भारतेंदु युग के दो निबंधकारों के नाम आप बताएंगे। दूसरा है, सरस्वती पत्रिका किस युग की है, ये आपको लिखना है, ये सब आपने पढ़ा है, बहुत आसान है। तीसरा, गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए, ये सभी आपने पढ़ लिया है
और पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह समझ गए हैं, आप अच्छी तरह से इसको लिख भी सकेंगे, क्योंकि ये आवश्यक पड़ाव है। बिना मूल्यांकन के हम और आप ये जान नहीं पाते कि हमने अपने लक्ष्य को कितना प्राप्त किया। और आखिरी संप्राप्ति, हमने और आपने आज क्या पाया। बच्चों, इस चर्चा के माध्यम से हमने और आपने जाना कि क्या योगदान था भारतेंदु युग का, क्या योगदान था द्विवेदी युग का। कुछ चर्चाओं के माध्यम से हमने जाना कि कितना क्या क्या किया गया इन युगों में जो हिंदी साहित्य को समृद्ध करता है। गद्य की विविध विधाओं के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।